हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आपको पता है कि जिस 19 सेंटीमीटर की पेंसिल से आप ऑन एन एवरेज 45,000 वर्ड्स लिखते हो, वो आखिर बनती कैसे है? और क्या इसके मेकिंग में इस्तेमाल होने वाली वस्तु ही वो वजह है जिसने लोगों को कभी इसके छिलके से इरेजर बनाने का एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रेरित किया था? अरे, इसके इसी छिलके से तो मुझे सोने के छिलके वाला फेरेरो रोशर याद आ गया, जिसके एक पीस से कंपनी को बस 10% का प्रॉफिट है। बाकी का पूरा 90% पैसा तो इसके मेकिंग में ही चला जाता है। लेकिन आखिर ऐसा भी क्या खास डाला जाता है बाबू के बेबी को पिघला देने वाली इस चॉकलेट में? वेल, वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन क्या आपको ये पता है कि वो मैग्नेट जिसे हम हमेशा फ्रिज, कबर्ड वगैरह पे चिपका के भूल जाते थे, उसे बनाने में समुद्र के पास बिछी रेत और टेस्ला का भी बहुत बड़ा योगदान है? नहीं पता तो फिकर नॉट, क्योंकि इन्हीं सभी ऑर्डिनरी वस्तुओं के एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेकिंग को देखेंगे हम इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड हाउ पेंसिल्स आर मेड इन फैक्ट्रीज। सो चलिए शुरू करते हैं फ्रिज और हाई स्पीड ट्रेन्स में लगने वाले मैग्नेट से, जिसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए टेस्ला का इस्तेमाल होता है। पर ये मैग्नेट को बनाने के प्रोसेस में जरा बाद में आता है। सो हमें पहले मैग्नेट को बनाने के प्रोसेस से शुरुआत करना होगा, जिसके लिए सबसे पहले उसे डिजायर्ड शेप देने वाले मोल्ड्स को बनाया जाता है, जिसके लिए मेटल मोल्ड्स में पहले रेत को कुछ ऐसे भरा जाता है ताकि उसमें से अनवांटेड रेत को बाहर निकाला जा सके। इसके बाद बारी आती है हाथ से फिसलने वाले रेत को ठोस आकार देने की, जिसके लिए सेट हुए रेत को पंच मशीन में डाला जाता है, जहाँ कुछ केमिकल्स और प्रेशर की वजह से वो एक हार्ड वस्तु बनते हुए मैग्नेट का मोल्ड तैयार कर देती है, जिससे हमें हॉर्सशू बार, सर्कुलर जैसे अलग अलग शेप्स के मैग्नेट्स मिलते हैं। लेकिन इन शेप वाले मैग्नेट्स को बनाने के लिए ब्रास यानी कि तांबा, कोबाल्ट, आयरन, सल्फर, निकल, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम के मिक्सचर की जरूरत होती है, जिन्हें एक इलेक्ट्रिक इंडक्शन हीटर में 1600 डिग्री सेल्सियस में डाला जाता है। और जाहिर है, इतने तापमान में ये सभी मेटल्स पिघल जाते हैं और इनके पिघलते इन्हें इनके मोल्ड्स में डाला जाता है, और फिर इन्हीं मोल्ड्स के ठंडे होते ही इनमें से मैग्नेट को बाहर निकाला जाता है, और लो, हो गया आपका मैग्नेट तैयार। वेल, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी इसमें मैग्नेटिक फील्ड की कमी है, जिसकी मदद से ये चुंबक वाकई में चुंबक जैसे चिपकने लायक हो जाएगा। और इसकी इसी कमी को पूरा करने के लिए दो आयरन प्लेट्स के बीच इस मैग्नेट को कुछ ऐसे रखा जाता है, जिसके जरिए इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज यानी उस चार्ज को ट्रांसफर किया जाता है, जिसकी वजह से मैग्नेट अपने आसपास के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। और मैग्नेट के इसी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए आखिर में इस्तेमाल होता है टेस्ला का। टेस्ला गाड़ी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने वाले टेस्ला मेजरिंग यूनिट का, जो बताता है मैग्नेट में डिजायर्ड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है भी या नहीं। और टेस्ला से याद आया, टेस्ला कंपनी के फाउंडर इलॉन मस्क ने अब डोजकॉइन क्रिप्टोकरेंसी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है टेस्ला के मर्चेंडाइज खरीदने के लिए। और इलॉन मस्क एक ऐसा विजनरी है जो फ्यूचर में पूरा विश्वास रखता है, और उसे पता है कि इन्हीं क्रिप्टोकरेंसीज की वैल्यू आगे बढ़ने वाली है, और इसीलिए ये कदम उठाया है। एंड इवन एथेरियम की बात करें तो वो भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और लोग अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। आप भी ये एकदम इजी तरीके से कर सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे। सो अब आइए उसका मेकिंग देखते हैं, जिसे एप्पल ने वायरलेस म्यूजिक को एंजॉय करने के लिए बनाया, लेकिन 110 मिलियन लोगों में से ज्यादातर लोग इसको एज अ स्टाइल स्टेटमेंट यूज करते हैं। हाँ, गैस एकदम सही है आपका, बात तो मैं एयरपॉड्स की कर रहा हूँ, लेकिन एयरपॉड्स को ज्यादा डिमांडिंग उसकी बैटरी बनाती है। इसकी इन्हीं बैटरीज को बनाने के लिए एक कंटेनर में ब्लैक लिथियम और कुछ केमिकल्स का पेस्ट बनाकर उसे पॉलीमर शीट्स पे लगाया जाता है, और फिर शीट्स के सूखते ही इन पर कॉपर शीट्स को लगाकर इनकी असेंबलिंग की जाती है। लेकिन ये शीट्स अभी भी अधूरे हैं, क्योंकि इनमें अभी भी हमारे एयरपॉड्स की बैटरीज फिट नहीं हुई है। और इनके इसी अधूरेपन को दूर करने के लिए इन पर एल्यूमिनियम की पतली शीट्स के साथ बैटरीज के इंटरनल हिस्से को डाला जाता है, जिसके बाद इन सब की पावर रिस्टोरिंग की कैपेसिटी को चेक किया जाता है, और फिर बैटरीज के बाद बनता है एयरपॉड्स का बेस उर्फ उसका पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो किसी भी डिवाइस को मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली सपोर्ट करता है। और इसी पीसीबी की बदौलत पिद्दू भर के एयरपॉड्स में यूजर्स को कई सारे फीचर्स मिलते हैं, जिसे बनाने के लिए कॉपर और ब्रास से बने शीट्स को कन्वेयर बेल्ट में डालकर इनकी टेस्टिंग होने के बाद इसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स जैसे कि ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, चार्जिंग पिन्स को फिट किया जाता है। अब जब
पीसीबी बनकर तैयार हो गया है, तो आइए हम देखते हैं एयरपॉड्स केस की मेकिंग विद सम ग्लूइंग एंड स्क्रूइंग, क्योंकि स्टेप में सब कुछ बस असेंबल करना होता है, चाहे ग्लू से या स्क्रू से, जिसमें सबसे पहले एयरपॉड्स केस में उसको रखने की जगह के बगल में मैग्नेट्स को ग्लू से चिपकाया जाता है और फिर इसके सर्किट और पीसीबी को बैटरी के साथ स्क्रू से केस में ऊपर की तरफ फिक्स कर इसकी टेस्टिंग की जाती है और टेस्टिंग के बाद इसे पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। हालांकि ये सब कुछ तब मजेदार नहीं लगेगा जब तक हमारा चीफ प्रोडक्ट एयरपॉड्स नहीं बन जाता, पर इन एयरपॉड्स के लिए भी पीसीबी ही इनकी लाइफलाइन है और इसीलिए एयरपॉड्स में भी अलग से पीसीबी को फिट किया जाता है जिसमें ब्लूटूथ सिस्टम ऑन चिप SoC एक्सेलेरोमीटर्स वगैरह वगैरह लगे होते हैं। इसके बाद स्पीकर्स के साथ इन्हें वेल्ड कर फिट कर दिया जाता है और एंड में एल्यूमिनियम से बने चार्जिंग पॉइंट्स को लगाकर इन्हें पैक कर मार्केट में हजारों रुपए में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं उस चॉकलेट मेकिंग कंपनी के साथ जो फोर्ब्स के अकॉर्डिंग सिर्फ अपना फेमस फेरेरो रोशर और न्यूटेला बनाने के लिए दुनिया का 25% हेजलनट यूज करती है। शायद इसी वजह से कंज्यूमर्स को इसके एक चॉकलेट में एक हेजलनट का स्वाद मिलता है जो बाकी चॉकलेट्स को इसके आगे पानी कम चाय बनाता है। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले वेफर के पतले शीट्स को एक मशीन थोड़ा राउंड शेप देते हुए दो अलग अलग हिस्सों में इसे काटती है। इसके बाद वेफर्स के इन्हीं दोनों लेयर्स में एक तरफ चॉकलेट हेजलनट क्रीम और दूसरी तरफ हेजलनट के कुछ टुकड़ों को इन पर कुछ ऐसे लपेटा जाता है कि इसके बाद चॉकलेट और हेजलनट दोनों बनाने वाले की जीभ लपलपा दे और चॉकलेट के वेफर से लिपटते ही इन्हीं वेफर शीट्स को सैंडविच कर इसे एक प्रॉपर बॉल का शेप देते हुए मशीन इसमें से एक्स्ट्रा वेफर्स को काट कर बाहर फेंक देती है ताकि फेरेरो रोशर का शेप इंस्टाग्राम मॉडल्स से भी ज्यादा परफेक्ट हो और फिर इन्हीं परफेक्ट शेप चॉकलेट बॉल्स पर दोबारा चॉकलेट की लेयर और उसके बाद कटे हुए हेजलनट्स के टुकड़े और आखिर में मिल्क चॉकलेट की लेयर को कोट किया जाता है, जिसके बाद ये अपने फेमस गोल्ड फॉइल रैप में सच कर जो खाए खुद जान जाए का स्वाद लोगों को चखाने के लिए मार्केट में आ जाती है। वैसे एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि माइकल फेरेरो जिन्होंने चॉकलेट लवर्स को इस चॉकलेट की सौगत दी थी, उन्हें हमेशा से इस बात का डर था कि उनके दुश्मन और बाकी राइवल कंपनीज को उनका फेरेरो रोशर बनाने का प्रोसेस पता चल जाएगा और इसीलिए जनाब ने उसकी रेसिपी अरेबिक में लिखी और उसे एक डोम में छुपा दिया ताकि किसी को इसका पता ना चले। और उनके इसी डर की वजह से आज भी इस कंपनी में ना मोबाइल फोन अलाउड है और ना ही नोटबुक्स। तभी तो ये रेसिपी एक अंदाजन रेसिपी है जिससे बाकी वेफर चॉकलेट्स को बनाया जाता है। और अब बारी आती है उस पेंसिल की जिसे इंसेंस सेडर वुड से कुछ ऐसे बनाया जाता है कि पेड़ एवरेज साइज का होते हुए भी 3 लाख तक पेंसिल्स बना सकता है। लेकिन पेंसिल तब तक पेंसिल नहीं कहलाते जब तक उसका लेड बनकर तैयार नहीं हो जाता और इनके लीड्स तो ग्रेफाइट से ही बनते हैं, उसमें क्या अलग है? Well, ये बिल्कुल भी मत सोचना क्योंकि ये लेड्स ग्रेफाइट के होते हुए भी सिर्फ ग्रेफाइट के ही नहीं बल्कि क्ले के भी होते हैं ताकि ग्रेफाइट की हार्डनेस को कम किया जा सके और इसके लिए ग्रेफाइट और क्ले के मिक्सचर को ऐसे रोटेटिंग ड्रम में डाला जाता है जो इन दोनों को फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर पानी के साथ इस मिक्सचर को 3 दिन तक ब्लेंड करती है और 3 दिन बाद इसी ब्लेंडेड पेस्ट को मेटल ट्यूब्स में डाला जाता है जहां से ये मिक्सचर थिन रॉड्स या स्ट्रिंग के शेप में लेड बनकर बाहर आते हैं। इन्हीं स्ट्रिंग्स को मशीन मेजरमेंट और उनकी थिकनेस के मुताबिक काट कर फिर उन्हें कन्वेयर बेल्ट में सूखने के लिए भेज दिया जाता है जहां से ब्लो ड्राई लेते ही इन्हें इनकी मजबूती और स्मूथनेस को बनाए रखने के लिए 982.2 डिग्री सेल्सियस में बेक किया जाता है। और अगर मान लीजिए ये पेंसिल कोई कलर्ड पेंसिल है तो इसी स्टेप में ग्रेफाइट और क्ले के साथ उसके कलर को भी मिक्स किया जाता है ताकि पेंसिल की लेड डिजायर्ड कलर की बनाई जा सके। वहीं लेड के ही बनते वक्त फैक्ट्री में दूसरी तरफ पेंसिल को भी बनाना शुरू किया जाता है जिसके लिए एक मशीन इंसेंस सेडर वुड के ब्लॉक्स को चौड़े और पतले स्ट्रिप्स में काट रही होती है और इन्हीं लकड़ियों के कटते ही यही मशीन इसके एक स्लैट यानी इसके पतले से टुकड़े में 8 पतले मोल्ड्स की जगह बना लेती है जिसमें फिर ग्लू भरकर उनमें एक एक लेड्स को रखना शुरू कर दिया जाता है और इसी के साथ ही मोल्ड्स में ग्लू भी लग रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ मशीन दूसरा मोल्ड तैयार कर बने हुए स्लैट्स में ग्लू से उन्हें लेड्स के ऊपर चिपका देती है और फिर इन्हीं पेंसिल सैंडविच को सुखा कर इन्हें कटिंग मशीन में डाला जाता है जिसकी धारदार ब्लेड इसे या तो राउंड या फिर हेक्सागोनल शेप में 8 अलग अलग पेंसिल्स में काटती है। अब इन्हीं बेरंग लकड़ी के टुकड़ों पर रंग चढ़ाने के लिए पेंट बनाकर पेंट में पेंसिल्स को 5 से 8 बार डुबोया जाता है
जिसके बाद एक मेटल स्टैंप इन पर अपनी कंपनी का नाम और उसके लेड का नंबर स्टैंप करता है, जिससे उसकी हार्डनेस का पता चल सके। और इन्हीं अलग अलग नंबर के लेड्स की मांग करते हुए हम दुकानदारों के पास जाते हैं और उनसे कभी 3B तो कभी 8B पेंसिल्स खरीदते हैं। और फिर पेंसिल्स के बनते ही इनके क्वालिटी की टेस्टिंग होती है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि क्या ये पेंसिल 2.5 किलो से कम का लिखने का प्रेशर बेयर कर सकती है। और इनके टेस्ट पास करते ही इनकी पैकेजिंग कर दी जाती है, जिसके बाद ये हमारे पास आकर हमें अच्छे विचार, अच्छी हैंडराइटिंग और अच्छी बातें लिखने के लिए इंस्पायर करता है। हालांकि इनमें से सभी चीजें हमें इंस्पायर नहीं करती, क्योंकि कुछ तो ऐसी है जो आपके मुंह में पानी लाती है, तो कुछ की कीमत हमें हमारी नानी याद दिलाती है। और अपने इसी अलग अलग अंदाज की वजह से ये सभी चीजें मार्केट में जोरों शोरों से बिकती है। और इसीलिए अब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए इसमें से कौन सी वस्तु की मेकिंग आपको उसकी मार्केट डिमांड की ही तरह जोरदार लगी, और कौन सी वस्तु को देखकर आपको ऐसा लगा कि भाई ये तो बहुत आसान है। इसी के साथ ही अगर आज की इस वीडियो में से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला तो अभी लाइक कर दो, और गेट सेट बाय फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। विद दैट सेड, एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।